दोस्तों अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी से जब से लुक रिवील किया गया है तब से अक्षय कुमार के फैंस अक्षय कुमार को सूर्यवंशी में देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। लेकिन यहाँ पर दो वर्ग में बट चुके हैं और इस बार कॉप यूनिवर्स के अंदर दबंग भी आ रहे हैं और इस दो वर्ग में बटे फैंस एक तरफ जहाँ सलमान खान को सपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरे फैंस अक्षय कुमार को। अब हम बात करने वाले हैं सलमान खान की फिल्म और सूर्यवंशी अक्षय कुमार की फिल्म के बारे में। जहाँ दबंग इस साल रिलीज़ हो रही है वहीं सूर्यवंशी अगले साल रिलीज़ हो रही है। दोनों फिल्मों के अंदर दोनों बड़े कलाकार कॉप बने हुए नजर आएंगे। दबंग इस साल दिसंबर में रिलीज होने वाली है और जल्दी आपको उसका ट्रेलर भी देखने को मिलेगा। वहीं आज हमें सूर्यवंशी का फर्स्ट लुक देखने को मिला जहां पर वो क्लाइमेक्स सीन की फोटो के साथ सामने आए हैं। अक्षय कुमार की इस फिल्म के अंदर वो वीर सूर्यवंशी का किरदार निभा रहे हैं। वहीं चुलबुल पांडे जो हैं वो निभा रहे हैं शानदार दबंग अवतार जो कि हमेशा वो दबंग में निभाते ही हैं। तो दोस्तों सलमान खान की फिल्म और अक्षय कुमार की फिल्म के अंदर से दोनों कॉप में अगर कंपैरिजन किया जाए तो लोगों को अक्षय कुमार का लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वहीं सलमान खान एक फिट एक्टर की तरह शानदार चुलबुल पांडे अवतार में नज़र भी आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सी कॉप ड्रामा फिल्म ज़्यादा हिट होती है। आपको क्या लगता है कि अक्षय कुमार की कॉप ड्रामा फिल्म ज़्यादा हिट होगी या फिर होगी सलमान खान का चुलबुल पांडे वाला अवतार यानी दबंग? तो हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप इन दोनों फिल्मों में से कौन से कॉप के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हैं ये भी बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो जुड़े रहें हमारे साथ क्योंकि ये मिलती है बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।